नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फ्रॉन्स गाड़ी तकरीबन 3000 किलोमीटर चलने के बाद उसके रिव्यू देते हैं आपको कि क्या पॉजिटिव है और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो और बेहतर हो सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी पॉजिटिवनेस के ऊपर। उसमें सबसे पहले बात आती है इंजन की रिफाइनमेंट। जैसे गाड़ी अभी स्टार्ट है, अंदर बैठे हैं और जो शांति महसूस होती है ना, किसी प्रकार की कोई भी वाइब्रेशन, कोई आवाज नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा नॉइज जिसे बोलते हैं, एकदम बिल्कुल ईवी वाली फील आएगी आपको। इतना ज्यादा रिफाइंड इंजन है 1.2 लीटर का जो मारुति द्वारा पेश किया गया है, तो इंजन के लिए हेडसअप जाता है मारुति सुजुकी को, इतना अच्छा इंजन बनाया उन्होंने। दूसरी पॉजिटिवनेस है इसकी माइलेज, जो ज्यादातर कस्टमर सबसे पहले प्रेफरेंस पर रखते हैं कि अच्छी माइलेज उम्मीद करते हैं मारुति सुजुकी गाड़ी को लेने से पहले कि अच्छी माइलेज देगी आपको। तो ये गाड़ी सिटी में आप चलाएंगे तो 15 प्लस की माइलेज आपको 15-16 के आसपास की माइलेज देगी। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, आजकल के ट्रैफिक के सिनेरियो को देखते हुए कोई गाड़ी अगर आपको 15-16 की माइलेज देती है तो काबिले तारीफ बात है। और हाईवे पे यदि आपको 80-90 स्पीड से चलाएंगे कंटिन्यूअसली फिफ्थ गियर में तो 22 kmpl से ज्यादा की माइलेज देगी आपको। तो कमेंडेबल जो मान के चले, यदि माइलेज आपका सबसे पहला पॉइंट है ना दोस्तों किसी गाड़ी को लेते समय 10 लाख तक के बजट में, तो फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस 1.2 लीटर वाला सबसे बेहतरीन में विकल्प में से एक बनेगा आपके लिए। उसके बाद आप पिकअप देखिए, अभी दूसरे गियर में गाड़ी, तो गाड़ी का जो 89 bhp पावर है बड़ी बेहतरीन स्मूथ तरीके से पिकअप लेती है। एकदम ऐसा तो नहीं है कि पुश करेगी आपको सीट के अंदर, लेकिन अच्छा पिकअप फील होगा आपको। यदि पांचों बंदे बैठे हैं सीटों के ऊपर और एकदम से ओवरटेक करना है तो आपको गियर शिफ्ट डाउन की तरफ करना ही होगा, ये चीज जरूर रहेगी। उसके बाद ड्राइवेबिलिटी और दिखा देते हैं आपको। मैंने लगा दिया फिफ्थ गियर और गाड़ी की जो स्पीड है वो 25-30 kmpl के आसपास, kmph के आसपास है, और जो आरपीएम मीटर हो तकरीबन ये मान के चले 600 आरपीएम के आसपास है। और देखिए गाड़ी बंद नहीं हो रही है, मैंने पैर एकदम पीछे कर रखे हैं और गाड़ी अपने आप पुल कर रही है धीरे धीरे। ये देखिए अब ड्राइवेबिलिटी कितनी गजब है, सिटी में ज्यादा गियर वगैरह चेंज आपको करने नहीं पड़ेंगे। और जैसे एक्सेलेरेटर के ऊपर मैंने पैर रखा है, धीरे धीरे गाड़ी पिकअप लेना शुरू कर देती है, तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मान के चले। ये बात मैंने नोटिस की है दोस्तों, आमतौर पर पेट्रोल इंजन जो होते हैं उसकी ड्राइवेबिलिटी कमजोर देखने मिलती है, और दूसरी कंपनी गाड़ी अगर छोटे इंजन कोई बनाती है तो, लेकिन इस गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी भी बहुत शानदार है। तो सिटी में कितना भी हैवी ट्रैफिक क्यों ना हो, बड़े गियर में आप चलाएंगे तो गाड़ी झटका लेके बंद नहीं होती आपकी। अगर बाकी कुछ गाड़ियों से इसको कंपेयर करूं ना, जैसे भाई नेक्सोन या कुछ छोटे वेरिएंट आप ले सकते हैं, वेन्यू वगैरह भी है, क्योंकि ये गाड़ी को थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया, इसलिए उन गाड़ियों से मैं इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि एसयूवी वगैरह आप ध्यान में रखते हुए गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं। इस गाड़ी का सबसे बड़ा हक है इसकी माइलेज और इसका इंजन की रिफाइनमेंट, और स्पेस भी काफी डिसेंट है। लेकिन उसमें एक ट्रिक है, मैं आपको नेगेटिव जो पॉइंट बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा कि क्या चीज बेहतर हो सकती थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी रफ्तार देखे कि हाईवे वगैरह पे स्पीड में आप चलाएंगे तो स्टेबिलिटी कैसी है, गाड़ी की सस्पेंशन कैसा है। तो गाड़ी इस समय ऑलमोस्ट 80 kmph के आसपास स्पीड चल रही है, तो जैसे आप थोड़ा बहुत लेन चेंज वगैरह करने की कोशिश करेंगे, स्टेयरिंग व्हील काफी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है दोस्तों। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत शानदार है, क्रॉस ओवर डिजाइन है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊंची नहीं है, तो इसकी जो कहते हैं ना जो ऑलराउंड फोर्सेज वगैरह काम करती है इसके ऊपर वो अच्छे तरीके से बैलेंस आउट है। हाईवे पर ट्रिपल डिजिट स्पीड आप चलाएंगे तो कॉन्फिडेंस वगैरह लूज नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से वो चीजें आपका साथ देती हैं। अभी देखिए मैंने यू थोड़ा सा एकदम से तीव्र मोड था, ये स्पीड में गाड़ी को टर्न किया है तो बिल्कुल भी दाएं बाएं ज्यादा आप रोल आउट नहीं हुए, तो एक अच्छी चीज है, कॉम्प्लीमेंट है अच्छी इस गाड़ी के लिए। चीज जो सस्पेंशन है हल्का सा सॉफ्टनेस की तरफ ट्यून्ड है, अभी गड्ढे वगैरह के अंदर से ले जाके देखते हैं हल्के फुल्के इसको, देखिए बिल्कुल आसानी से ग्लाइड करती हुई चली जाती है, किसी तरीके की आवाज भी नहीं करता है सस्पेंशन। अगर गड्ढा बड़ा हो तो थड़ वगैरह की जो आवाज आती है वो नहीं मिलेगी आपको सुनने को। बेहतरीन सेटअप है भारतीय रोडों को ध्यान में रखते हुए, मारुति सुजुकी द्वारा अच्छा सस्पेंशन दिया गया इसमें। अब ब्रेक लगा के दिखाते हैं आपको 80 की स्पीड में इमरजेंसी ब्रेक, तो देखिए ये भी कितने अच्छे तरीके से काम करता है, कोई स्क्रीचिंग वगैरह की आवाज नहीं आई, कोई ज्यादा नोज डाइव वगैरह नहीं हुआ, और बाइटी बड़ी शानदार है ब्रेकों की, तो एबीएस ईबीडी अच्छे तरीके से काम करता है, ब्रेकिंग पॉइंट उसे कोई कंसर्न नहीं है। हल्का सा ऊंचा बैठते हैं आप हैचबैक के मुकाबले तो अच्छे आपको आसपास का जो व्यू है अच्छा मिलता है, ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है। तो एक बड़ा बेहतरीन सा ऑप्शन निकाल के दिया है मारुति सुजुकी ने दोस्तों, कि उसी रेंज में जैसे डेल्टा प्लस वारंटी से मैं चला रहा हूँ, इसमें एलईडी हेडलाइट वगैरह एलॉय व्हील वगैरह मिल जाते हैं आपको, तो अंडर 10 lakh बहुत बेहतरीन विकल्प आपके लिए बन सकता है ये।
अर्गोनॉमिक इश्यू, यूटिलिटी स्पेसिस का इश्यू कभी नहीं रहा है मारुति सुजुकी के साथ, और इसमें भी काफी बेहतरीन आपको बोतल वगैरह रखने के लिए चारों डोर में जगह मिलती है, छोटे कप होल्डर वगैरह मिलते हैं और सब कुछ विद इन द रीच महसूस होता है। ये जो सिस्टम आता है डेल्टा प्लस में, ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, तो ये भी एक बेहतरीन फीचर है। और इसका टच रिस्पॉन्स बेस्ट कह सकते हैं, अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट जरूर है। आप देखिए अभी ये माइलेज निकाल के दे रही है हमें 16.5 की, तो ये काबिल तारीफ बात है दोस्तों, इतनी अच्छी माइलेज। अब इन सभी चीजों के साथ ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं, हाँ हेडलाइट का थ्रो जो है रिफ्लेक्टर मिलते हैं इसमें तीन, दो लो बीम के लिए एक हाई बीम के लिए है, ठीक ठाक थ्रो है दोस्तों, और वो फोगलाइन वगैरह ही पूर्ति कर देते हैं क्योंकि बम्फर में नीचे तरफ दिए गए हैं, तो रात वगैरह को ड्राइव ज्यादा करनी होती है आपको तो भी किसी प्रकार का कोई संकोच मन में ना रखें आप। अब कुछ चीजें हैं जो इसमें बेहतर हो सकती थी। सबसे पहली चीज है इसका जो एयर कंडीशनिंग है उसकी कूलिंग को लेकर थोड़ा सा मन में ये डाउट है कि और बेहतर हो सकती थी वो। उसका एक कारण ये भी है कि पीछे इस इवेंट्स वगैरह इस वेरिएंट में आपको मिलते नहीं है, तो आमतौर पे जीरो पे भी एक सबसे लो जो टेम्परेचर ना उसके ऊपर हमने सेट कर रखा है, फैन स्पीड 2 पे है, उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता आपको कि बहुत ज्यादा चिल्ड हमें दे रहा है दोस्तों, तो नॉर्मल ऐसा है इसी मान के चले आप, थोड़ा सा ये चीज है जो बेहतर हो सकती थी। आमतौर पर ऐसा हमें देखने को मिलता है मारुति सुजुकी के साथ, लेकिन ये चीज जरूर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो लगा है कि और बेहतर होना चाहिए था वो है पीछे जो सीटों का रिक्लाइन एंगल वगैरह कंफर्ट अंडर था, स्पोर्ट ठीक है, आगे वाली सीटें भी ठीक है, बस एक चीज ये है कि थोड़ी सी सॉफ्ट ज्यादा है सीटें, तो कुछ मेरे साथी हो सकता है वो पसंद आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टिफनेस पसंद आती है दोस्तों, क्योंकि बैकबोन के ऊपर फिर आपका प्रभाव कम डालती है, तो ये चीज है एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, थोड़ी फ्लिमजी सी महसूस होती है सीटें। और साथ ही पीछे इसका जो एक कूपे टाइप का डिजाइन है ना, तो जो स्लोपिंग रूफ लाइन है वो अगर हाइट आपकी थोड़ी सी लंबी है परिवार में बंदों की तो हेड टच होता है पीछे, ये भी एक चीज है कि डिजाइन का थोड़ा सा फ्लो मान सकते हैं आपकी, और बेहतर होना चाहिए था। अगर आपकी नॉर्मल हाइट है 5'7" 5'8" तक परिवार में तो फिर कोई दिक्कत महसूस आपको ना होगी नहीं दोस्तों। बूट स्पेस वगैरह भी अच्छा है, हालांकि लोडिंग लिप ऊंची है उसमें एक पॉइंट जरूर है जो और बेहतर हो सकता था, तो जो भारी सामान होगा उसको निकालते समय आपको ज्यादा पीछे कमर के ऊपर जोर पड़ेगा आपका, ये चीज जरूर है। और एक जो हम सब हमेशा से मारुति सुजुकी के साथ जोड़ने ही लगे इन चीजों को, थोड़ा सा डोर वगैरह में थड़की जो आवाज वगैरह है प्लास्टिक के साथ फील, ये थोड़ा सा ज्यादा आता है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है वो समय आ चुका है कंपटीशन में देखते हो कि मारुति सुजुकी ने जो एक तो मेटल शीट की जो क्वालिटी है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उसमें कर देना चाहिए, अब साथ में प्लास्टिक का जो है ना जो सिलेक्शन ऑफ मेटेरियल है ये भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, बाकी आप देख रहे हैं सभी चीजें फीचर्स वगैरह डेल्टा प्लस से मिलते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह अच्छी आवाज के साथ, सभी जानकारी हम आईडी आपको देती रहती है, माइलेज वगैरह से रिलेटेड, डिस्टेंस टू एमटी से रिलेटेड, और कोई इशू इसमें खास ऐसा है नहीं, इसलिए इसके सेल्स फिगर धीरे 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 ग्रो करते जा रहे हैं दोस्तों, कि ऑल अराउंड पैकेज की अगर बात की जाए तो काफी शानदार पैकेज है। और हम सबको पता है एक आदमी जो इतना पैसा करता है, मेहनत के पैसे होते हैं उसके, तो वो हमेशा एक ऐसे व्हीकल को चूज करना पसंद करता है जो रिलायबिलिटी दे, आपको ज्यादा टेंशन में ना डाले, तो वो सभी चीजें इसके हक में जाती हैं, सर्विस नेटवर्क वगैरह अच्छा हो, वो चीजें मारुति सुजुकी नेक्सा डीलरशिप काफी तो हर जगह हो चुकी है हरियाणा के साथ साथ, तो वो चीजें हैं नहीं, इसलिए इसकी सेल्स फिगर बेहतर है और चीज को जस्टिफाई भी कर रही है। तो इस प्रकार से जानकारी रही दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।